शादी के दौरान दूल्हे राजा के साथ फोटो खींचने को लेकर भयंकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बारात में चाकूबाजी होने लगी, बाराती घायल हो गए। पूरे बारात में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जी हां, बारात में आए एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं एबल। बिहार के सिवान से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि बिहार के सिवान में बसंतपुर थाना क्षेत्र के बर्मा कला गांव में बुधवार की शाम शादी समारोह में फोटो खींचने के विवाद पर कुछ युवकों ने बारात आए एक समूह को चाकू मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान लड़कड़ी नबीगंज ओपी के मदारपुर निवासी नंद किशोर महतो के पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बरवा कला निवासी ब्रज किशोर महतो के घर बुधवार की शाम मदारपुर से बारात आई थी। सब कुछ सामान्य तरीके से रीति रिवाज चल रहा था, जब दूल्हे राजा विवाह की रस्म के लिए वधू के घर गए तो वर पक्ष के कुछ लड़के विवाह की रस्म की फोटो लेने के लिए आंगन में जाने लगे। इस पर वधु पक्ष के युवक द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। इसके बाद दोनों तरफ से तनातनी हुई और किसी युवक ने बारात में आए मदारपुर निवासी गुड्डू कुमार को सर और जांघ में चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। इस दौरान बारात में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों के प्रयास से किसी तरह शादी की रस्म पूरी हो सकी। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए बसंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं इस बारात में इतना बवाल के बाद जैसे तैसे शादी को जल्दी जल्दी संपन्न किया गया। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।